जय श्री राम सभी को। आज एक और नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी हम शिवाड़ा हैं, शिवाड़ा से लोहार व श्रीदेव का टेंपल है श्री महाराज का, वहाँ जा रहे हैं। लगभग शिवाड़ा से 46 किलोमीटर है, गोरिमना के पास है। लगभग गोरिमना से 12 किलोमीटर नहीं रहेगा, वहाँ जाकर मालूम हुआ। वहाँ जाते हैं, श्री महाराज का दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। और आज शनिवार है, लगभग अपने घर से 50-55 किलोमीटर होगा। इससे भी बढ़िया मार्केट है प्रांतव की साइड। आगे दो भाई पैदल जा रहे हैं रामदेवरा, वहाँ से गुजरात से बहुत लोग आते हैं, पैदल जाते हैं रामदेवरा। यहाँ पर थोड़ा रास्ता भी खराब है, खड्डे बहुत हैं। अभी गांधव पुल के पास आ गए हैं, थोड़ा ही आगे गांधव का पुल है। ये देखो भाई साहब का ट्रक का टायर पिंचर हो गया है। बारिश के कारण रोड बहुत खराब हो गई है, बहुत गहरे खड्डे हैं, सावधान पूर्वक चलना पड़ता है। यहाँ पर आगे जो रामदेवरा पैदल लोग जाते हैं उनके लिए व्यवस्था के लिए कैंप भी लगाया हुआ है लेफ्ट साइड में, वो पुल के उस साइड है। भामाशाह लोग बहुत हैं, हर साल कैंप लगाते हैं बाबा रामदेव जी के, जो पैदल लोग जाते हैं दर्शन के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए खाना पीना रहना सब कुछ। ये गांधव का मेन पुल है, ब्रिज जो गुजरात से बाड़मेर को जोड़ता है। और लूणी नदी इसके नीचे से चलती है, ये आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ से पुल स्टार्ट होता है, पहले एक बार पानी बहुत ज़्यादा आया था फिर कम हुआ था, और आज 2 दिन पहले और आया ज़्यादा पानी। मेन रास्ता नदी का ये है, यहाँ से चल रही है। ये लोग सब पैदल जा रहे हैं, लोग लगभग गांधव बाबा रामदेव जी का मेला लगता है तो वहाँ जा रहे हैं सब। ब्रिज के ऊपर भी रोड टूट गई है पूरी, तो
गांधो ब्रिज के पास ही चेक पोस्ट है चितलवाना पुलिस चौकी की। ब्रिज के ऊपर थोड़ी ट्रैफिक रहती है, और ये साइड में देखो कैंप लगा हुआ है जो अभी तो बंद कर दिया है। अब यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट, अब डबल रोड मिलेगी। पहले हम सिंगल पे आ रहे थे, अभी हम आ गए हैं गांधव। ये गांधव बाबा रामदेव जी का मंदिर है, यहाँ पर बढ़िया कल मेला लगा हुआ था और आज भी लोग आ रहे हैं पैदल। ये गांधव गांव आ गया, यहाँ से ये लेफ्ट साइड रास्ता जाता है, ये केरिया जाता है, केरिया गांव। और ये गांधव की मार्केट है, दोनों साइड बढ़िया मार्केट है। और ये जो ये ब्रिज दिख रहा है, यहाँ से लेफ्ट साइड जाते हैं तो अगड़ावा हवाई पट्टी बनाई हुई है हमारे आर्मी के लिए। यहाँ से लेफ्ट साइड सीधा अगड़ावा रास्ता जाता है ये। ये वाला सीधा बड़ा हवाई पट्टी वायुसेना के लिए। अभी दोस्तों आ गए राम जी का गोड़, यहां से ब्रिज के ऊपर जाएंगे। ब्रिज के नीचे से गुडामालानी नगर रास्ता जाता है राइट साइड में, और ब्रिज के ऊपर से सीधा निकलेंगे तो ये बाड़मेर जाएगा, दोरिंगना बाड़मेर। ये दोस्तों राम जी का गोल की मार्केट है, और यहाँ से ये देखो सामने रास्ता दिख रहा है, ये भी लोहार वहाँ जाता है शनिदेव मंदिर, लेकिन किसी भाई ने बोला कि रोड बहुत ख़राब है तो आप धोरिंगना होकर जाना, बढ़िया रोड है। तो अभी हम यहाँ से सीधा धोरिंगना जाएंगे और वहाँ से जाएंगे लोहार वहाँ। नगर को क्रॉस कर लिया, ये रोड भी नई बनी हुई है, बहुत बढ़िया, आधी बनी एक पट्टी। अभी बारिश का मौसम है, दोनों साइड व्यू कितना बढ़िया है, हरियाली फुल हरियाली।
बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। ये भी सब पैदल जा रहे हैं। आगे और लोग पैदल जा रहे हैं, हाथ में ध्वजा भी है। ध्वजा लेके जा रहे हैं, माता जी की ध्वजा, जय माता दी। स्कूल की छुट्टी हो गई, देखो बच्चे लाइन से जा रहे हैं। ये टोल प्लाजा भी आगे आ गया है। गोड़ और वृंदा के बीच में ये टोल प्लाजा है। ये है आने वालों का, थोड़ा आगे है जाने वालों। बाइक का तो टोल लगता नहीं है। ये आ गया टोल प्लाजा, हमें तो साइड से आराम से निकलना है। जय बाबा री। गाइस गोरिंगा आ गया, ये गोरिंगा है, यहाँ से गोरिंगा की मार्केट स्टार्ट होती है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, आगे आपको दिखा देंगे। अब गोरिंगा से ब्रिज के नीचे से राइट लेंगे। यहाँ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर होगा सिंहदेव जी का मंदिर। गोरिंगा की मार्केट बहुत बड़ी है। रास्ता बहुत खराब है मार्केट का।
इतना कीचड़ पड़ा है। दोरीमना से लोहार वा शनिदेव जी का मंदिर 5-6 किलोमीटर नहीं, यहाँ से 12 किलोमीटर। मैंने अभी देखा गूगल मैप में भी 1 जीट 12 किलोमीटर दिखा रहा है। हरियाणा ऑटो पार्ट्स है। ये दोस्तों लोहारवा गांव आ गया है, ये नवग्रह के लिए 9 मंदिर बनाए हुए हैं और इस गोलाई में आगे मंदिर है शनिदेव जी का, लेफ्ट साइड में ये शनिदेव जी का मंदिर है, बहुत प्रसादारी मंदिर है ये मंदिर है। बाइक पार्किंग करके नारियल और तेल और तिल ये लिया है। हमारे मारवाड़ी में तो ये दुबिया या कड़सी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। यहाँ से अब इस कड़सी से दूर से पकड़ के ये देखो बढ़िया हवन चल रहा है, इसमें चढ़ाएंगे जय शनिदेव। बहुत लोग आते हैं यहाँ। ये नवग्रह के लिए मंदिर बनाया गया है, 9 मंदिर है छोटे छोटे, लेकिन अभी स्थापना होनी है। अभी दोस्तों शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद वापस घर की तरफ रवाना हुए हैं। अगली बार दोरीमना साइड नहीं गए हैं, यहाँ से सीधा राम जी का गोड़ जाएंगे। दोरीमना साइड से जाते हैं तो बहुत घूम के जाना पड़ता है, लगभग 10-12 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, तो यहाँ से जाते हैं। अभी तो रोड ठीक दिख रही है, आगे पता नहीं कैसे है, आगे जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी तो बढ़िया है। वो ग्वार की खेती की हुई है बढ़िया, दोरा ढाल रास्ता है। लेफ्ट लेंगे,
लॉक लगाए हुए हैं। का नजारा देखिए, यहाँ पे कल रात्रि जागरण था। ये कल जागरण थी। आई लव महादेव भीमथल। ये महादेव जी का मंदिर है। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। दोस्तों ऊपर से नीचे का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वो ट्रैक्टर अभी वहाँ पहुँचा है, वो जो अभी हमारे को सामने मिला था। अब जाते हैं श्री तेजा जी महाराज जी का दर्शन करते हैं। और सामने विराजमान है से डायरेक्ट नीचे जाना, तो ये पगडंडी छोटी सी जा रही है ये वाली। फुल ढलान है दोस्तों, यहाँ पर हमारी बाइक बंद है, जा रही है मीटर मीटर। ये पानी का टाका बना हुआ है। देखा नाना जी बकरियों, ना पेट्रोल 1 किलोमीटर गाड़ी आपको फरवा वाला दोस्तों आ गए नीचे।
यहाँ से वापस घर का रास्ता पकड़ते हैं। देखते हैं दोस्तों कोई एक्सीडेंट हुआ है आगे कराए। देखो ये पूरा सत्यानाश हो गया। आराम से चलो, जीवन अनमोल है, रिस्क नहीं लेनी है, सावधानी पूर्वक चलना है। अभी दोस्तों आ गए हैं सिवाड़ा वापिस। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सिवाड़ा यहाँ पड़ा है नारायण जी का भाई, वो सामने बड़ा स्टैंडर।